कलर के मैच में आओ कलम से कुछ प्रश्न हम लोग देख रहे हैं जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग 2025 के लिए देख रहे हैं महत्वपूर्ण जो हम लोग का फरवरी में आने वाला है। पहला प्रश्न बोलिए क्या है प्रश्न, वाई बराबर क्या है बोलिए, एक्स के पर 5 प्लस कितना है cos 2x। इसको हम लोग का करना हल करना है, कैसे करेंगे चलिए। ये हम लोग का dy बटा कितना होता है dx, तो d बटा हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा d बटा dx। एक बार डायरेक्टली कर दीजिए इसको cos 2x। अब आप सोल्यूशन कीजिएगा यहाँ पे d बटा dx x के पावर 5 प्लस d बटा डी एक्स कॉस 2x इंटू फिर कर दीजिए d बटा डी एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा खाली 2x हो जाएगा। अब आप सॉल्यूशन कीजिएगा, अभी अभी इससे पहले हम आप लोगों को सूत्र बताया गया होगा, ये हम लोग का हो जाएगा 5 एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4। सूत्र पता है d बटा कितना होता है डी एक्स, एक्स के पावर एन होता है, ठीक है। तो हम लोग सूत्र में क्या लिखते हैं एन एक्स के पावर एन माइनस कितना होता है 1, तो यहाँ पर हम लोग को 5 आगे आ गया और 5 में से घटा दीजिए इतना बच गया। कॉस किस में आता है, कॉस को हम लोग पूर्ते तो किस में आता है कॉस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा डी बटा कितना होता है डी एक्स, बताइए क्या होगा कॉस एक्स बराबर क्या होता है सूत्र माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर आप कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा साइन 2x। आप इंटू है तो इंटू कर दीजिए, इसको आप तोड़िएगा तो क्या होगा डी बटा डी एक्स, ठीक है ना, अचल पद बाहर आ जाता है एक, तो इसका मान कितना हो जाता है एक होता है तो एक हल्का हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 एक्स के पावर 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 2x, ये आपका हो जाएगा इसका डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हटाएं आप लोग थोड़ा सा इसमें स्पीड बढ़ाइए, आप लोग देखते चलिए जो समस्या है। बस आप लोग खाली फॉर्मूला याद रखना है, बनते जाएगा। चलिए दो नंबर क्या है प्रश्न, क्या है दो नंबर अच्छा यानी मतलब y बराबर कितना है sec इनवर्स कितना है x, यही ना है तो आप लोग ये पता होता है dy बटा कितना हो जाएगा dx, यहाँ पर डी बटा कितना होता है डी एक्स, यहाँ पर सेक इनवर्स कितना होता है एक्स, तो इसका डायरेक्टली हम लोग का सूत्र होता है याद रखिएगा, ये हो जाएगा एक बटा रूट अंडर एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा सॉरी एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक। अगर यही हम लोग का होता है डी वाई बटा कितना होता है डी एक्स, यानी डी बटा कितना होता है डी एक्स, अगर यहाँ पर हम लोग का कॉसेक इनवर्स होता तो हम लोग ये किस में आ जाता माइनस में आ जाता, किस में आ जाता माइनस में, याद रखिएगा ये हम लोग का फॉर्मूला से संबंधित है, ठीक है ना। अगर यही होता है डी वाई बटा कितना होता है डी एक्स, अगर होता है डी बटा डी एक्स, यहाँ पर टेन इनवर्स होता है एक्स, तो यहाँ पर हम लोग का एक बटा कितना होता है वन प्लस कितना होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, नहीं होता, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप लोग को साथ में इसके साथ हम लोग का होना चाहिए था नहीं, ठीक है नोट कर लीजिए बोलिए कहाँ ओ सॉरी यहाँ पे ये हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस होगा यहाँ पर माइनस होगा, ये खाली यंत्र का है तेजी से लेके हम लोग मिस्टेक करते हैं, हो जाएगा। ये आप लोग जो भी समस्या है आप देखिए एग्जाम में जो भी आ रहा है अधिकांशतः हम लोग का सूत्र से। अगला प्रश्न बोलिए, लॉग वाई बराबर लॉग कॉस एक्स हो गया कॉस, इसको तोड़ना है कुछ नहीं है, डी बटा डी वाई हल कर लीजिए, डी वाई बटा डी एक्स, तो एक्स कर दीजिए लॉग
आपको कर लेना है कॉस एक्स इंटू, इसको एक बार और कर दीजिए, डी बटा डी एक्स कॉस एक्स। आप देखिए आपको क्लियर करना है, इसको जब करिएगा तो ये हम लोग एक्स के साथ में, आप लोग को याद है जब हम लोग डी बटा डी एक्स कर रहे थे और लॉग एक्स हुआ करता था, तो इसका सूत्र क्या था, एक बटा कितना हुआ था एक्स। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग, एक बटा कितना हो जाएगा कॉस एक्स इंटू, अगर कॉस को हम लोग टूटते तो किसमें टूटता है साइन में, माइनस साइन में, माइनस साइन, ठीक है ना, किसमें टूटता है माइनस साइन में। आप यहाँ पर करिएगा गुणा कीजिएगा तो माइनस साइन बटा कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, अब साइन बटा एक्स माइनस कितना हो जाएगा टेन एक्स, सही है, कितना हो जाएगा टेन एक्स। आप ऑप्शन देखते हैं उसको तुरंत क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा सही है का। अगला प्रश्न बोलिए, अगर होते जा रहा है इसलिए तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न y बराबर कितना है x के ऊपर कितना है 20 है, खाली 20, अब वहां पर d² भी निकलना है, दो बार करना है, दो बार करना, यानी y बराबर में इसको हम लोग निकलना है dy बटा कितना होता है dx² ये निकलना है ना, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा क्लियर कर लेना, dy बटा कितना होता है dx, d बटा हो जाएगा x, x के ऊपर कितना हो जाएगा 20, इसको जब तोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 20, x के ऊपर कितना हो जाएगा अनाइस। फिर यहाँ पे जब हम लोग ये हम लोग को पहला स्टेप टूट गया है, ये सूत्र आप लोग को बताए थे कि किस पर चलेगा, डी बटा डी एक्स एक्स के ऊपर एन पर चलेगा, तो सूत्र बताए थे एन इंटू एक्स के ऊपर कितना होता है एन इंटू एक्स के ऊपर एन माइनस कितना होता है वन, यही पता चलना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 20 आगे आ गया और एक घट गया 21 हो गया, फिर से इसको लेकर चलना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर वाई यहाँ पर होता है डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर चलिएगा तो हो जाएगा आपको डी बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 20 एक्स के ऊपर कितना अनाइस, आप आगे कीजिएगा तो 20 गुणे अनाइस, ठीक है ना, एक्स के ऊपर 18 अनाइस गुना 38 380 एक्स के ऊपर कितना हो जाएगा 18, ये आपका आंसर हो जाएगा 380, ठीक है ना, एक्स के ऊपर कितना हो जाएगा 18, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर की जो बात है तो ये आगे समझ लें, एक और भी क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बोलिए कि सर यहाँ दिक्कत है, हम आप लोग बताते हैं। आपके अगला प्रश्न आ गया, ठीक है ना सर, आपको समझ में नहीं आया, वाई बराबर आपने कर दिया एक्स के पावर कर दिया 10, ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर किस में निकलना है डी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कितना है डी एक्स स्क्वायर, इसको दोबारा निकलना है, यानी इसको कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब अवकलन हम लोग कितना बार करना है, दो बार करना है, तो एक बार कीजिएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी बटा कितना हो जाएगा डी एक्स, एक्स के ऊपर कितना हो जाएगा 10, आप जानती हो कि 10 एक्स के ऊपर कितना हो जाएगा 9, और फिर अब इसको एक बार करना पड़ेगा, तो जब दोबारा होगा तो ये लिखिएगा डी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, बराबर हो जाएगा डी बटा कितना हो जाएगा डी एक्स, 10 एक्स के ऊपर कितना है 9, और फिर 9 आएगा 9 गुणे 10 एक्स के ऊपर कितना हो जाएगा 8, 9 दैया 9 पे एक्स के ऊपर कितना हो जाएगा 8, आया समझ में, कोई डाउट कोई शक नहीं है, इटका दें आगे चलिए अगला बोलिए, वाई बराबर साइन 4x/5 यही है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन कितना भी फास्ट आता है हम लोग बस अगुता जाते हैं और अब उतार के उसका निर्णय ले लेते, गलती ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, बोले आए एक बार हम आपसे क्या करेंगे टकराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या किया इसको कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी बटा डी एक्स साइन 4x/5 कितना हो जाएगा 5, एक बार और कर दूँ डी बटा डी एक्स 4x/5 कितना हो जाएगा 5, याद रखिएगा अगर दो बार अगर ऐसे तो दो बार आपका जोड़ दीजिए, साइन किस में आता है कॉस में, प्लस की माइनस 4x/5 कितना होता है 5 इंटू, यहाँ पे एक्स अचर पद हटा दीजिएगा, तो एक्स क्या होता है अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा डी बटा डी एक्स है ना 4/5 अलग इंटू यहाँ पर एक्स, इसको आगे कर देंगे अचर पद, तो अचर पद का मान कितना हो जाता है 1, 4/5 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4/5 कितना हो जाएगा 5,
यहाँ पर जाएगा चार बटा कितना हो जाएगा पाँच कॉस चार एक्स बटा कितना हो जाएगा पाँच चार एक्स बटा कितना हो जाएगा चार एक्स बटा कितना हो जाएगा पाँच यही इनका आंसर हो जाएगा ठीक है ना। मसला माइनस कर ही ना रहा है देख लीजिएगा ये ध्यान रखिएगा कहीं माइनस ना हो जाए। चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए कोई दिक्कत अगर है तो बताते चलिए। माइनस का मसला नहीं है अगर माइनस का मसला होगा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे चलते रहिए। कितना नंबर क्वेश्चन है भाई हाँ सात नंबर चलिए आगे बोलते चले कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कोई समस्या नहीं होता खाली परीक्षा में होता बस बोलते सर जानते हैं थोड़ा सा लिख रहे थे हाथ में टेढ़ गया। चलिए छः नंबर प्रश्न बोलिए टू कॉस तीन एक्स बटा चार चलिए मसला कोई मामूली से नहीं है छोटा सा शेयर करते हैं क्या होता है बोलता है कि नहीं होता ठीक है। वाई बराबर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स टू कॉस एक्स ठीक है ना टू कॉस थ्री एक्स बट्टा चार यहाँ पर डी बटा डी एक्स ठीक है ना तीन एक्स बट्टा कितना हो जाएगा चार। आप ध्यान रखिएगा मनाएंगे तो कैसे ये हम लोग कॉस है कॉस किस में आता है किसी बट्टे का माइनस साइन में ये था ना टू साइन ये हो जाएगा तीन एक्स बट्टा कितना हो जाएगा चार और ये हम लोग हो जाएगा देखिए जब भी अचल पद डी बट्टा डी एक्स में अगर किसी अंक के साथ तीन एक्स तो इसका आंसर तीन अगर कहा जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स चार बट्टा पाँच एक्स तो चार बट्टा कितना हो जाएगा पाँच डी वाई बट्टा डी एक्स अगर एक्स रहेगा तो वह सिर्फ अंक हम लोग कहा जाता है उतर जाता है तो यहाँ पे कितना तीन बट्टा कितना है चार यहाँ पे क्या कर दिया गया तीन बट्टा चार कर दिया गया। अब यहाँ पे आ गया माइनस दो पूरे तीन बट्टा कितना हो जाएगा चार साइन एक्स तीन एक्स बट्टा कितना हो जाएगा चार दूध लिखे चार यहाँ पर ध्यान रखिएगा माइनस तीन बट्टा दो साइन यहाँ पर तीन एक्स बट्टा कितना हो जाएगा चार ये आपको हो जाएगा। कोई डाउट कहाँ बोलिए जहाँ डाउट है दिक्कत है बोलते चलिए का कोई दिक्कत ही ना कल आपका यही समस्या ना था नोट करते चलिए बोलते चलिए। अगला प्रश्न बोलिए तो डाउट नहीं है तो है भाई डाउट मत बोलिए अब हम लोग इंग्लिश में नहीं बनना है जो समस्या बोलिए ना तो बहुत लोग हम सुने हैं बोलता है कि डाउट क्लियर करना है ठीक है ना हमको नहीं लगता कि डाउट कभी लाइफ में ख़त्म होता है डाउट नहीं समस्या बोलिए ठीक है ना हम लोग कहा है हम लोग सारी नहीं हम लोग ग्रामीण है। बोलिए अगला प्रश्न क्या आता है ई के पावर माइनस तीन एक्स हो गया वाई बराबर कुछ खास नहीं है डी वाई बटा कितना होता है डी एक्स ई के पावर माइनस कितना है ई के पावर तीन एक्स है। अब वही अगर आपको सूत्र वही वाला सूत्र लगाना है डी बटा कितना है डी एक्स एक्स के पावर कितना है एन है यहाँ पर ला दीजिए माइनस तीन एक्स माइनस तीन ठीक है ना इके पर कितना हो जाएगा इके पर माइनस तीन एक्स हो जाएगा ठीक है माइनस तीन इके पर माइनस कितना हो जाएगा तीन एक्स हो जाएगा। अगला बोलिए वाई बराबर उसको थोड़ा सा लंबा में हमको लगता है जाना पड़ेगा इसको मिटका दे कोई दिक्कत ना है चलो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और उतना कोई हार्ड नहीं बस थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। बोलिए एक बटा थ्री एक्स बटा दो वाई बराबर दिया है ना ओ चलिए ये माइनस में है मानना पड़ेगा थोड़ा सा समस्या तो आ रहा है डी वाई बटा डी एक्स ठीक है ना तोड़ना तो इसको पढ़ना ही पढ़वे करेगा एक बटा ठीक है तीन एक्स यहाँ पे दो लॉग प्रयोग करेंगे तो वह सही नहीं है अब यहाँ पे थोड़ा सा मानना पड़ेगा मानिए माना कि टी बराबर कितना हो जाएगा तीन एक्स माइनस कितना है दो है ठीक है ना दो है अब यहाँ पर टी डी बटा कितना हो जाएगा इतना ध्यान रखिएगा
डी डी बटा कितना हो जाएगा इतना। अब इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो ये खाली मात्र कितना आ जाएगा हम लोग का, तीन आ जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोग का, मात्र हम लोग का आ जाएगा ये तीन आ जाएगा। बट्टा में एक हो जाएगा, इसमें इससे गुणा, इसमें इससे गुणा, इसलिए हो जाएगा हम लोग कितना, टी डी बराबर एक्स। यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग इसमें इससे गुणा इसमें इससे, टी डी बट्टा कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा। आप चलिए डी बटा कितना हो जाएगा डी एक्स, डी बटा कितना हो जाएगा डी एक्स, डी बटा डी एक्स। यहाँ पे एक बटा कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, तो टी का मान मानने से कुछ फायदा तो नहीं दिख रहा, टी का मानने से कुछ फायदा दिख रहा नहीं दिख रहा। लो लो हम लोग इसको इसको नहीं निकल पाएंगे, इसको निकाल लीजिए यू बटा वी वाला सूत्र को, जो भाग का सूत्र होता है उस पर निकालने को आसानी से कहा हो जाएगा निकल जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं काम, यू बटा कितना कर लेते हैं वी, डी बटा डी एक्स, यू बटा का होता वी, इसके लिए सूत्र का होता हम लोग को यू बाहर डी बटा डी एक्स, माइनस भाग के लिए माइनस होता है वी बटा डी, यू बटा कितना हो जाएगा डी एक्स, ये सब का क्या होता है बटा में वी के स्क्वायर होता है। मान के चलिए कि यू बराबर कितना हो गया एक, अभी बराबर कितना हो गया इतना हो गया एक डी बटा डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिए तीन एक्स माइनस, यहाँ पर हो जाएगा दो माइनस तीन एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा दो इंटू डी बटा डी एक्स, इसका मान होता है एक। यहाँ पर बटा में चलिए वी स्क्वायर, वी का मान कितना है तीन एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, माइनस इसको तोड़िएगा ये हम लोग हो जाएगा तीन एक्स माइनस दो, ही तो टूटेगा नहीं, ये अचर पद है इसका मान जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा जीरो, बटा हो जाएगा यहाँ पर तीन एक्स माइनस दो के होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कीजिएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा तीन, क्योंकि इसको जीरो से पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन, यहाँ पर हो जाएगा तीन एक्स माइनस दो के होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। हम लोग इसको यू बटा वी से भाग वाला सूत्र से आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। बोलिए कहाँ यहाँ पर माइनस, ध्यान रखिए थोड़ा सा आप लोग अपना सही दिमाग लगाइए, यू बटा वी यहाँ माइनस यहाँ पे है, माइनस हम लोग यहाँ पे है, ठीक है ना। आप माइनस यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोग को तो जितना मान आ जा रहा है माइनस में जीरो आ जा रहा है, तो तीन में से जीरो घटाने पर कोई अंतर आएगा नहीं आएगा। हम लोग कितना आ जा रहा है तीन बट्टा, कितना आ जा रहा है तीन बट्टा तीन एक्स माइनस दो के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, नोट करना है करिए जल्दी से कर लीजिए। आप आंसर बना जाइए, आंसर उसमें बहुत सारा है, हो सकता है कि ये कीजिए जल्दी से, जितना लेट होगा उतना हम लोग के लिए दिक्कत होगा। क्वेश्चन नहीं बना होगा अभी तक, अगला क्वेश्चन बोलिए तो तेजी में आपको सही कर रहे हैं। बोलिए e के पावर x प्लस cos 5x वाई बराबर होगा, मसला यही होगा डी वाई बटा कितना हो जाएगा डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स cos 5x। याद रखिएगा जब 5x है तभी एक बार इससे टकरा दीजिएगा 5x, ठीक है। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, ई के पावर कितना हो जाएगा इतना, ये cos है तो cos किस में बदलता है माइनस साइन में ना। अब इसको माइनस डायरेक्टली लिख दीजिए, माइनस साइन कितना हो जाएगा 5x,
अब मैं अभी बताया कि अचर पद के साथ में सिर्फ अगर एक्स होता है जैसे टू एक्स का कितना आंसर होगा दो, यहाँ पे डी बटा डी एक्स तीन एक्स, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तीन, वैसे ही पाँच डी एक्स यहाँ पर पाँच एक्स, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पाँच। अब गुणा कर दीजिए यहाँ पे हो जाएगा एक के ऊपर एक्स माइनस पाँच साइन, ठीक है ना, पाँच एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। दिक्कत अगला प्रश्न बोलते चलिए, जहाँ आप लोग उसका ऐसा नहीं है कि हम बनाते चल रहे आप लोग डर के मारे बोले ही नहीं। अगला प्रश्न बोलिए, एक बट्टा फोर गजब है, आ गया ना सारी या गंवार दोनों, एक बट्टा फोर लिख लीजिए सर, एक बट्टा फोर। अरे भाई हम लिखे, हम एक बट्टा फोर ना लिखे, हम एक बट्टा चार लिखे, एक बट्टा चार चार एक्स, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वाई बराबर ये मान लिया गया डी बट्टा डी एक्स, ठीक है ना, एक बट्टा चार सेक, यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक चार एक्स, एक बराबर से इसको तोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा चार एक्स। अब ये एक बट्टा चार तो ये बाहर निकल जाएगा, सेक किस में टूटता है, किस में टूटेगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा सेक चार एक्स इंटू टेन चार एक्स, हो गया कोई दिक्कत, आ इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा चार आएगा ना, चार चार से चार का हो जाएगा कैंसिल, सेक चार एक्स इंटू टेन चार एक्स, यही आंसर दिया है, नहीं दिया है, यही दिया होगा। आगे बोलिए, वाई बराबर बोलिए एक्स क्यूब सी के पर एक्स, यही ना है, चलिए डी बटा कितना हो जाएगा डी एक्स एक्स के पर तीन प्लस डी बटा डी एक्स सी के पर एक्स, ये चेंजिंग कीजिएगा तो तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको चेंजिंग कीजिएगा तो कोई आंसर नहीं, मसला यही था, आंसर सही है। कब का डाउट है का, अब यही जानती हो कहा है, वो होता है डिजिटल बोझ होता है बोट होता है कुमणिया से ऑप्शन सही था, वाह वाह कितना अच्छा है का, ऑप्शन सही तो रहता, ऑप्शन मारो भाई मिला के एकदम धाए दे, वो भी समस्या आने वाला, वो भी समस्या का दूर किया जाएगा, बस कुछ समय की बात है, कुछ दिन की बात है। आगे आगे अगला प्रश्न, खाली साइन एक्स, साइन एक्स तो आप लोग तो डायरेक्टली बता सकते हो भाई, डी बटा डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, हमको लगता है कॉस एक्स होता है। चलिए अगला बोलिए, वाई बराबर टेन एक्स ए एक्स, बस हो गया, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई बटा डी एक्स टेन एक्स ए एक्स, इंटू फिर एक बार तोड़िएगा, ठीक है ना, ए एक्स हो जाएगा, याद रखिएगा टेन तोड़िएगा तो वाई ब्लॉक, गजब हाल है, टेन किस में टूटता है, चलिए बताते रहिए आप लोग, इसको तोड़ेंगे याद रखिए, फिर वही आ गया बात, डी बटा डी एक्स तीन एक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाता था तीन, यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाएगा ए, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा ए एक्स एक स्क्वायर कितना हो जाएगा ए एक्स, कोई दिक्कत, चलिए बोलते चलिए। आप लोग नोट करते चलिए, शेक एक्स बोलिए शेक एक्स, हो गया, ये आप लोगों का फॉर्मूला है, ये आप लोगों का फॉर्मूला डी बटा डी एक्स, ठीक है ना, सेक बताओ फिर आंसर क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बैठ जाइए, अगला प्रश्न भी कोई है तो भी इसको मिटा दें। बोलिए y बराबर साइन लॉग x, साइन लॉग x, ओ ये है लॉग x का, डरने की बात नहीं, समस्या तो आ गई, लोग भाई बनेगा कैसे, आया समस्या, कोई डरने की बात नहीं, लॉग x होगा, d बटा डी एक्स साइन एक्स,
ठीक है, लॉग कर दीजिएगा, इसके साथ में रहेगा एक बार फिर डी बटा डी एक्स, ठीक है ना, इसको कर दीजिएगा लॉग एक्स। देखिए इसको तोड़िएगा तो साइन किस में टूटता है, माइनस कॉस में निकाले प्लस कॉस में लॉग एक्स, और इसका मतलब याद रखिएगा लॉग यहाँ पर कितना टूटता है, एक बटा एक्स में हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बटा कितना हो जाएगा एक्स, अगर जो होगा आंसर उसको मार दीजिएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है, का डाउट है का? सम बस इतना ही समझिए खाली ना, आप लोग के समय के अभाव बस इसलिए ना, तब अब क्या ही बता सकते हैं, तबे ना भाई सहारा वाला लोग मुझे कमेंट करता, बोलो क्या हुआ, अगला प्रश्न नहीं है, सुनिए हाँ वाई बराबर आज एक्स के पावर पाँच बस, इसको y बराबर तो d बटा कितना ले, अगर इस टाइप के आंसर आए तो आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा, इसको ला दीजिएगा आगे पाँच और इसको घटा दीजिएगा चार, आंसर हो गया आ गया। अगर यहाँ पर अगर तो कोई करते y बराबर कितना हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा तीस, तो बोलिए रुक जाओ हम बता दे रहे हैं तीस x के पावर 29, ठीक है, अगर कोई बोल दिया देखिए x के पावर कितना हो जाएगा 20, तो आप बोलिए अगर लोगों को बता रहे हैं 20 x के पावर कितना हो जाएगा अनाइस, तो आप लोग इस सब चीज़ में कहाँ चुकते हैं, चुकना ही नहीं चाहिए, कोई डाउट ना आता है कभी कभी, हम तो कहा बोलिए ना, लिखिए ना वन बटा चार, वन बटा कितना लिखना है चार, आज आपने बोल दिया सर लिखिए ना एक बटा फोर, हमको अजीब लगता है, अब हमको नहीं लगता कि सर ही आप है कि सर ही हम, चलिए बोलिए अगला प्रश्न, साइन इनवर्स एक्स, अनुजी का सूत्र क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर अनुजी, बताइए सूत्र क्या होगा, जोर से बोलिए, नहीं आ रहा तो जोर से बोलिए भाई, जोर से बोलिए, बहुत अच्छा बोला, बैठ जाओ अगला प्रश्न बोलिए, ये हम लोग देखिए ये सूत्र देखिए ये 2016 17 18 19 लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग इस पर केयर कीजिएगा, ये लगातार प्रश्न पूछा जाता है, ये लगातार प्रश्न आता है, बोलिए अगला प्रश्न, वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कितना नंबर प्रश्न, 24 नंबर, देखिए बता रहे हैं थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए इसका, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन वाई बराबर साइन टू एक्स हो जाएगा, डी बटा डी एक्स साइन टू एक्स इंटू डी बटा डी एक्स टू एक्स, साइन किस में टूटेगा माइनस कॉस में खाली कॉस में कॉस टू एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा खाली दो हो जाएगा, दो कॉस टू एक्स हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा इसका कोई दिक्कत नहीं, अगला प्रश्न बोलते चलिए जल्दी से, ऐसे ही बोलिए अगला प्रश्न बोलिए, y बराबर e e के पावर x, e के पावर x x हो गया, तो y बराबर e के पावर x का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, e के पावर नहीं e के पावर x को चेंज नहीं होता इसमें, e के पावर x कितना हम लगा, अब याद रखिए जल्दी से, y बराबर cos, y बराबर cos cos log x ब्रैकेट में log x log x हो गया, डी वाई बटा डी एक्स कितना, अच्छा डी वाई बटा डी एक्स निकलना है, डी बटा कितना करना है डी एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स लॉग एक्स, इसको चेंज कीजिएगा तो इनको माइनस साइन लॉग एक्स आई टी, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक बटा एक्स माइनस हो जाएगा साइन लॉग एक्स बटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स, ये आंसर हो जाएगा, उसके बाद बोलिए x के पावर क्यूब का डबल समाकलन करना है, x के पावर क्यूब, देखिए यहाँ पर y बराबर x के पावर क्यूब
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, यही ना। यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी वाई हो जाएगा एक्स पर क्यू, निकाल लीजिए यहाँ पर हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर, फिर इसको निकालेगा डी वाई बराबर कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर जब डी बटा डी एक्स तीन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा तीन डी बटा कितना डी एक्स स्क्वायर अभी है। आज इतना ही रहने दिया जा रहा है, आज के लिए इतना ही, फिर कल इसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।